पिछले क्लास में हम लोग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आज की जो क्लास है इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या बताए थे बोलो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, और आर क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक मिनट, तो ये जो आर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखोगे तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे कि एक रिजिड बॉडी का क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये कैलकुलेशन पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी इस तरह ले लेते हैं, जैसे मान लो एक रॉड है और जिसका मास एम है, लेंथ एल है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। और इसके इस एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो ये डेटा याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि आज का जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसका यूज आएगा, ठीक है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिंग का देखे थे, रिंग का कितना था, किस एक्सिस के अबाउट, रिंग का अगर हम देखें कि ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और कह सकते हो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और सर्कुलर डिस्क का या प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट बताए थे कि मास जितना अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा, और जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद सॉलिड स्फीयर का हम लोग देखे थे 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बताया हुआ था। अब देखो इसमें हम लोग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और एक रेक्टेंगुलर लेमिना था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले थे, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ए क्या होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, और बी क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है। और स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाता है, तो एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, और आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग दो थ्योरी डिफाइन करेंगे। एक जो थ्योरी होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो रॉड का अगर हमको कैलकुलेट करना हो, जैसे सपोज करो एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास करेगा और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन मान लो सपोज तुमसे किसी ने कहा कि ये बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो पॉइंट इसके सेंटर से यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर है, मान लो एल बाई 4 डिस्टेंस पर है, ठीक है, कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस यहाँ से पास करेगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो ये हम लोग कैलकुलेट के इंटीग्रेशन के थ्रू, लेकिन हम लोग एक ऐसा एक्सिस लेते हैं जो एल बाई 4 डिस्टेंस पर हो इसके सेंटर ऑफ मास से, तो तुमसे पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमको पता है और इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो ऐसे स्थिति में हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज, हम अगर इंटीग्रेशन के यूज से बचना चाहते हैं, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का यूज करोगे तो बनेगा सवाल, नो डाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हैं, इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ दिया और ये एक्सिस
सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से निकल जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम लेंगे एक से डिस्टेंस पर डी एक्स, और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इंटीग्रेशन के यूज को अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमसे पूछ दिया कि जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास नहीं करा किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ दिया, तो उसके लिए दो थ्योरम डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो कि दो थ्योरम डिफाइन किया गया है। पहला थ्योरम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरालेल एक्सिस थ्योरम। पहला थ्योरम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरालेल एक्सिस थ्योरम। पहला थ्योरम होता है पैरालेल एक्सिस थ्योरम। और दूसरा जो थ्योरम होता है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दो थ्योरम हम लोग के पास है। ठीक है, और ये दो थ्योरम हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? ओनली केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन को यूज नहीं करना चाहते हैं, हम दो थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों थ्योरम तभी काम में आएगा जब आप लोगों को सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, ये वाला हमको याद रहना चाहिए। ये वाला अगर याद रहेगा तभी हम ये दोनों थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है रिंग का, सर्कुलर प्लेट का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ये डेटा याद रहेगा तभी दोनों थ्योरम हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग इंटीग्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा अगर ये दो थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट हमको पहले से पता होना चाहिए, और वो डेटा हम लोग के पास पहले से है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलिए, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं, ये दोनों थ्योरम कब अप्लीकेबल होगा? जब हमको एटलीस्ट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट पता होगा तभी हम ये दोनों थ्योरम यूज कर पाएंगे। और ये दोनों थ्योरम यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, हमको इंटीग्रेशन का जो भी सिचुएशन है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक थ्योरम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये दोनों थ्योरम का बस एक ही काम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं। सपोज करो एक रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सपोज करो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हमको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई सी एम। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है आई सी एम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्या करें कि एक रिजिड बॉडी की दिया हुआ है और इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं आई सी एम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, एक एक्सिस कंसिडर करते हैं, और ये एक्सिस क्या हो रहा है कि इसके ठीक पैरालेल है, इस एक्सिस के ठीक पैरालेल है। ए बी जो एक्सिस है इसके पैरालेल है, मतलब इस एक्सिस के ठीक पैरालेल है। ये जो एक्सिस है ए बी, ये इस एक्सिस के ठीक पैरालेल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक रिजिड बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, ये रॉड भी हो सकता है, एक स्फेयर भी हो सकता है, एक सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकता है, और उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस का नाम देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आई सी एम। और एक एक्सिस और लेते हैं जो इस एक्सिस के या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक पैरेलल है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आई ए बी इज इक्वल टू कितना होगा पता है, आई सी एम प्लस, ये कितना हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर होता है। एकदम ये कंसेप्ट याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक हम लोग को थ्योरम मिल गया, और ये थ्योरम क्या कह रहा है कि आई ए बी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आई सी एम
आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम क्या है? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और आर क्या है? इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पूरे रिजिड बॉडी का ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या है कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग जानते हैं, और कोई और एक्सिस हम ले लेते हैं जो इसके ठीक पैरेलल है, एकदम एग्जैक्टली इसके पैरेलल हो, तो इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे आई ए बी, वो हमेशा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर होता है। एम क्या है? मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का क्या कह सकते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये ध्यान दो, अब ये जो कंसेप्ट है, पहली चीज ध्यान रखना, इट इज मतलब ये जो थ्योरम है ये किसके लिए वैलिड है? ये थ्योरम किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए वैलिड है? ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कौन कौन सा? वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, और 3D ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए वैलिड है ये थ्योरम जो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D, 2D और 3D के लिए वैलिड है। 1D का मतलब क्या होगा? जिसके पास केवल लेंथ होगा। 2D का मतलब क्या है? जिसके पास ओनली सरफेस एरिया होगा। 3D का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस इतना स्टेटमेंट याद रखना है, और इसको और डिटेल में बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग के पास दो थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग पढ़ लिए, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। पहला एप्लीकेशन देखो, सपोज करो एक हम लोग करते क्या है, एक रॉड, पहला एग्जांपल वन ले लेते हैं। इसमें एक रॉड इस तरह ले लिया, और ये जो रॉड है, इस रॉड का कह सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास है, और इससे ठीक एल बाई फोर डिस्टेंस पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा ले लेते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट तुमसे पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलो जल्दी निकालो, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो एक्चुअली देखो कैसे निकालोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हमको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले चेक करो, क्या इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले किसी एक्सिस के अबाउट पता है कि नहीं पता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और इस एक्सिस के अबाउट इसको एक्स वाई ले लेते हैं, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का होता है आई सी एम होता है। यार बोल नहीं रहे हो, होता है कि नहीं होता है? ये वाला तो हमको पता है, अगर ये पता है तो हम इस ए बी के अबाउट नहीं निकाल सकते हैं। तो एक फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी मतलब दिस रॉड इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर, क्या होता है ये बताओ? आर क्या लेंगे हम लोग? ये तो आर स्क्वायर होता है ना, तो आई सी एम कितना होगा पहले बताओ? आई सी एम कितना होगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एकदम सही है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ये सबको याद है, ये सब डेटा बोले थे, याद रखना कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास, और आर क्या है? आर है इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्चुअली देखो, अगर ये थ्योरम नहीं लगाते तो तुमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, तो हम ये थ्योरम लगाने से इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ जा रहा? 48 निकल गया, आंसर आ गया। तो ये आई ए बी निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है वन डायमेंशनल है, तो क्या बताया था कि वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, और थ्री डायमेंशनल हो, सारे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जांपल टू देखते हैं। इस पर कुछ नहीं, जितना ज़्यादा सम्स करोगे उतना तुमको बेनिफिट होगा। एग्जांपल टू हम लोग ले लेते हैं इस तरह, सपोज करो कि एक रिंग ऐसे ले लेते हैं, एक टेबल ऐसे ले लिए, और इस टेबल पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का
एक रिंग ले लेते हैं, और ये जो रिंग है इस तरह कुछ है, ये रिंग इस तरह कुछ दिया हुआ है, ये रिंग ले लिए ठीक है। और बोला ये है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके वन एंड से पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, पासिस थ्रू वन एंड ऑफ पासिस थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो जल्दी बनाओ। तो इसको, इसका मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है। इस एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जल्दी निकालो। ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबका? एक्सिस हमेशा ध्यान रखोगे, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको कैलकुलेट करना तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस जो है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है भाई। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ICM होता है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ICM होता है। तो क्या अप्लाई करोगे जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आ जाएगा ICM प्लस MR स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ICM कितना हो जाएगा, रिंग का कितना होता है, रिंग MR स्क्वायर होता है प्लस, और M मास ऑफ द रिंग, और R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, R ही है R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 MR स्क्वायर आ जाएगा। आंसर तो नहीं आ रहा था, बहुत लो का ही है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद से तुम्हारा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हम लोग का इस तरह दिया हुआ है, एग्जांपल 3। इसको बनाओ तो एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ये सॉलिड स्फीयर है, ये दिया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और किसके अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका मास एम है, रेडियस आर है, जल्दी निकालो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सॉलिड स्फीयर का। देख कितने लोग इसको बनाते हैं, हमको इस एक्सिस के अबाउट पता है, और ये थोड़ा पैरेलल होगा, एक्चुअली ऐसे इसे ड्रॉ नहीं किया, ये ऐसे होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा IAB जो आएगा ये कितना हो जाएगा ICM अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस MR स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, 2/4 प्लस ये कितना हो जाएगा MR स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 MR स्क्वायर, तो IAB निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और करो, पूरा इसको क्लियर करो। एक स्क्वायर प्लेट ले लिया, और स्क्वायर प्लेट का ये वाला लेंथ ए दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और ये वाला एक्सिस हम ले लेते हैं जो इसके इस एंड से पास कर रहा है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ए बी है, ठीक है? एक यहाँ दिया हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसका कितना होगा। ये वाला एक्सिस है जो इसके एक कॉर्नर से पास कर रहा और कह रहा है इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो एक्सिस है ये क्लियर रखना है कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका जो भी प्लेन है उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बताओ क्या करोगे, तुमको तो पहले पता होना चाहिए कोई एक एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है कि जो इससे पास करने वाला एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ICM, और इस ये और ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अगर ये हमको पता है तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो क्या इन दोनों के बीच में हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? कैसे अप्लाई करोगे, IAB जो होगा ये कितना हो जाएगा ICM प्लस MR स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ICM कितना होगा,
ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई सिक्स सिक्स होता है प्लस एम आर, आर कितना लोगे कौन बताएगा आर कितना, ए बाई टू एकदम सोच के बताओ कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और कोई बताएगा कितना होगा, बाकी लोग मुंह बंद करके बैठे हो, और किस कोई, तो डायगनल का हाफ कितना होगा, ये डायगनल कितने लेंथ का होगा है? एकदम सही है, ये वाला लेंथ कितना होगा रूट टू ए होगा, ये वाला डायगनल का लेंथ कितना होता है स्क्वायर के डायगनल का, ये वाला लेंथ ये ए है ये भी ए है तो ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ से ये डायगनल का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो रूट ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट टू ए आ गया डायगनल का लेंथ और इसका आधा है, आधा का मतलब टू से डिवाइड कर दिए, ये जो आर आएगा रूट टू ए बाई टू तो ये कितना हो जाएगा ए बाई रूट टू आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, इतना सिंपल तो था। तो ये कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू, बोलो अरे ये वाला लेंथ अगर मान लो ये स्क्वायर है, ये वाला लेंथ ए है, ये वाला लेंथ है, ये डायगनल है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला लेंथ कितना होगा रूट टू ए होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे पैरेलल है तो ये वाला डिस्टेंस हम ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसमें, इसमें यहाँ से पास कर रहा था और यहाँ से पास कर रहा है, अगर इसमें देखोगे तो ये सेंटर वाला हमको पता है और यहाँ से चाहिए था तो यही ना गैप चाहिए हमको, ये वाला गैप चाहिए हमको ये वाला, जैसे मान लो ये वाला स्क्वायर हम ले लिया, अगर ये वाला स्क्वायर ले लेते हैं तब इस केस में देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान से देखना इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ऐसे है तो ये वाला एक्सिस के अबाउट पूछा था, इस कॉर्नर से जो पास कर रहा, इस कॉर्नर से जो पास कर रहा उसके अबाउट पूछा है ठीक है, और ये वाला एक्सिस हम लोग का सेंटर है तो इन दोनों के बीच का ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा यही ना गैप होगा यहाँ से यहाँ तक का, तुमको ये वाला एक्सिस के अबाउट पता है और ये वाला एक्सिस के अबाउट कॉर्नर के अबाउट पूछा है ये पता है तो ये वाला गैप क्या होगा, डायगनल का लेंथ का आधा ही ना होगा, तो एग्जैक्टली वही चीज है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है अब चलो देख अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या था ये समझ में आ गया, कोई एक एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो उसके ठीक पैरेलल कोई एक्सिस लेते हैं जो उससे आर डिस्टेंस पर लाई करेगा, पैरेलल दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला से हम लोग इसका एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट इसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम ठीक है, इसमें देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है कि एक इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह का ले लिया, ये थ्री डायमेंशन टू डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग करते क्या है कि यहाँ से एक पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिए और इस एक्सिस का नाम कुछ दे देते हैं एक्स एक्सिस सपोज करो, और इसके ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक एक्सिस और ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक्सिस ले लेते हैं एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है ठीक है, मतलब ये हम लोग का एक्स एक्सिस है ये हम लोग का वाई एक्सिस है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दो एक्सिस के बीच में हम लोग को पता है ठीक है, और ये दोनों क्या है दोनों एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में लाइक कर रहा है, एक्चुअली देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काफ़ी कंसेप्चुअल है और ये पूरा थ्री डायमेंशनल है तो इसको और विजुलाइज करने की कोशिश करना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका एक सरफेस एरिया होगा और इसमें हम लोग क्या करते हैं एक एक्स एक्सिस ऐसे ले लिए ये वाई एक्सिस ऐसे ले लेते हैं और ये दोनों एक्सिस इसी के प्लेन में लाइक कर रहा है इसी के सर्फेस में लाइक कर रहा है,
इसी के प्लेन में लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये वाला, और इसमें दो एक्सेस बना रहे हैं, एक एक्सेस ये वाला हो गया और एक एक्सेस ये वाला हो गया, और दोनों इसी के सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, इस तरह का कंडीशन आ गया सपोज करो, समझ में आ रहा है। ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है, दोनों इसी के सरफेस में लाई कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, एक एक्सिस और बनाते हैं जो इन दोनों एक्सिस से के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा लेकिन इनके परपेंडिकुलर होगा। ये वाला एक्सिस जो होगा दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, जेड एक्सिस। ये डायग्राम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तीन एक्सिस ले रहे हैं, ये दोनों एक्सिस क्या है, इस बॉडी के प्लेन में लाई कर रहा है, एक एक्सिस क्या कर रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर एक्स एंड वाई आर लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, उसके प्लेन में लाई कर रहा है, एंड जेड एक्सिस पासेस थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सेसेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। पहली बात कि ये जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये टू डी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में दो एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस ले रहे हैं जो इन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सिंपल सा है, एक हम लोग बॉडी रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं लेकिन वो टू डायमेंशनल है, जिसके पास ओनली सरफेस एरिया, थ्री डायमेंशनल नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है, और इस सरफेस में हम लोग दो एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं, और दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां भी होगा वहां से एक एक्सिस तीसरा ले रहे हैं जो इन तीनों के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे सपोज करो ये वाला हम लोग का सरफेस है, ये वाला एक सरफेस है, इस पर हम एक एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, दूसरा एक्सिस ऐसे ले लिए, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाला एक्सिस हम ले लेते हैं जेड एक्सिस है, ऐसे है, ये वाला एक्सिस हम लोग का कौन सा है, जेड एक्सिस है। ये समझ में आ रहा कैसे क्या कर रहे हैं, ये वाला एक्सिस हम लोग का कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये तीन एक्सिस ऐसे इस सरफेस में लाई कर रहा है, इसको अगर हम ऐसे रखें तो इस तरह कुछ लाई कर रहा है तीनों सरफेस, सॉरी तीनों एक्सिस, अब ये नहीं रुक रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है, ये तीनों एक्सिस ऐसे है, देखो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, लेकिन ये दोनों एक्सिस इसके सरफेस के में लाई कर रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, और ये वाला एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक्सिस को थ्री डायमेंशनली फिल नहीं करोगे तो सवाल नहीं बनेगा या ये थ्योरम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होगा, इस तरह कुछ रोटेट कराएंगे तो ये कुछ कह सकते हो कि कुछ इसका रोटेशनल मास होगा इस एक्सिस के अबाउट। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ रोटेशनल मास होगा, जब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये होगा इसका मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है मतलब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, समझ में आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब। और जेड एक्सिस ऐसे है, इसका मतलब क्या है कि कुछ हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, तो हर एक्सिस के अबाउट इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट हम मान लेते हैं आई एक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताओ, आई एक्स का मतलब जब इसके अबाउट घुमाएंगे तो इसका रोटेशनल मास आई एक्स होगा, इसके अबाउट इसका रोटेशनल मास कितना होगा आई वाई होगा, और इसके अबाउट इसका रोटेशनल मास कितना हो जाएगा आई जेड होगा। समझ में आ रहा है, इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन लेने का मतलब क्या है, इसके अबाउट जब घुमाएंगे तो इसका रोटेशनल मास आई एक्स होगा, वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे जब इसके अबाउट घुमाएंगे तो इसका रोटेशनल मास कितना होगा आई वाई होगा, और जेड एक्सिस के अबाउट जब घुमाएंगे तो रोटेशनल मास कितना हो जाएगा आई जेड होगा। और इन तीनों में रिलेशन क्या आएगा पता है, अकॉर्डिंग टू
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या रिलेशन आएगा बता सकते हो? एक रिलेशन आएगा जिसको हम लिखेंगे आई जेड जो होगा दिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब ये रिलेशन समझिए पूरा थ्री डायमेंशनल है। एक्स और वाई दोनों उसी प्लेन में लाई करेगा, एक्स के अबाउट बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई एक्स है, वाई के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई वाई है, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होगा इन दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का स्केलर समेशन होगा, अलजेब्राइक समेशन होगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? और यही थ्योरम है और कुछ नहीं है। और ये किसके लिए वैलिड है? ओनली इट इज ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट। किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट, मतलब ओनली जिसके पास सरफेस एरिया है। देखो पहले ये फील हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। ये मान लो सिंपल ऐसे समझो, ये एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है, इस पर दो एक्सिस हम ले लेते हैं। दो एक्सिस कौन कौन सा ले लेते हैं? सपोज करो ये वाला एक एक्सिस ऐसे ले लिए, कौन कौन सा एक्सिस ले लेते हैं? ये वाला एक एक्सिस ले लिए, ये वाला एक्सिस ले लिए, और दोनों इसी के प्लेन में लाई कर रहा है, और तीसरा एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं। इन तीनों के मोमेंट ऑफ, इन तीनों एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, और क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई एक्स मान लेते हैं, इसके अबाउट आई वाई मान लेते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जेड, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जेड होगा इन दोनों का स्केलर समेशन होगा। सिंपल सा बात है, ये तीनों एक्सिस पूरा 3D है, इसको फील करोगे, ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का मतलब क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होने का मतलब क्या है कोई बताएगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो इसका कुछ रोटेशनल मास होगा इस एक्सिस के अबाउट। यार बोल नहीं रहे हो। और ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब क्या है कि जब इसके अबाउट ऐसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कब होगा? जब बॉडी को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कब होगा? जब इसको ऐसे घुमाएंगे, तो हर तीनों एक्सिस के अबाउट जब घुमाएंगे तो तीनों के अबाउट इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग लेट कर लिए, कौन कौन सा हो गया? इसके अबाउट आई एक्स होगा, इसके अबाउट आई वाई होगा, और ये जो जेड एक्सिस है इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जेड है। तो इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखोगे तभी ये क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक पहला एग्जांपल लेते हैं, ये पूरा थ्री डायमेंशनल है, ध्यान से देखना। तुमसे पूछा है कि एक सर्कुलर प्लेट ले लेते हैं, एक सर्कुलर प्लेट ले लिया इस तरह, ये एक सर्कुलर प्लेट है, और तुमसे पूछा ये है कि अगर हम ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करा लेकिन इसके प्लेन में है, और कह रहे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, बताओ तुम कैसे निकालेंगे? ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इससे पास कर रहा, और ये वाला एक्सिस जो है कुछ इस तरह है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला जो उसी के प्लेन में लाई कर रहा, और इसके बाद जब घुमाएंगे तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, कुछ रोटेशनल मास होगा, वो कितना होगा कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा? पहले तो हम लोग चेक करेंगे ना कि भाई ये जो पूरा बॉडी है, ये जो सर्कुलर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कौन सा हमको पता है? कोई ना कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो पता होना चाहिए, तभी तो इसका इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्सिया तुमको पता है इस बॉडी का, ये बताओ? सेंटर का, लेकिन सेंटर से तो बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, ये भी सेंटर से ही पास, एक्स एक्सिस वाला भी नहीं पता है, कोई बताएगा? पैरेलल पता नहीं कहाँ से बोल रहे हो तुम लोग, इतना बोले कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ध्यान में रखो। ये वाला बताए थे यहाँ से, कहाँ से पास कर रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है? mr² / 2 होता है।
ये बहुत साल पहले की बात है, संदीप सर ऐसा कुछ पढ़ाए थे कि एक सर्कुलर प्लेट है और ये तुम्हारा क्या होगा कि सर्कुलर प्लेट पर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² / 2 होता है। और तुमसे पूछा ये वाला एक्सिस से पूछा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस से पूछा है, ये वाला एक्सिस से पूछा है, कैसे निकालोगे ये बताओ। पहले एकदम आराम से सोचो कि क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो तो कभी नहीं लगेगा। और हमको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का पता है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट पता है, मतलब इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर उसके अबाउट पता है, तो आँख बंद करके दो ही ना थ्योरम है, पैरेलल नहीं लगेगा तो परपेंडिकुलर लगेगा भाई, सिंपल सी बात है यार, बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा। तो हम लोग पहले उसको उस एक्सिस को ड्रॉ करेंगे जिसके अबाउट हमको पता है, कौन सा एक्सिस के अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन जो ऐसे पास करे, इस तरह पास कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमको पता है, ये वाला एक्सिस के अबाउट, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस इसको मान लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है, और हम लोग को चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट चाहिए बोलो, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन लगेगा तो तुमको एक एक्सिस और चाहिए, तो कैसे ड्रॉ करोगे, एक एक्सिस और हमको चाहिए, कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। दोनों के क्या होना चाहिए, तो दोनों के परपेंडिकुलर कहां, बहुत सारा परपेंडिकुलर हो सकता है, हमेशा तीन एक्सिस होना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे ये पता चल गया, तीन एक्सिस होना चाहिए जिसमें से दो एक्सिस इसके प्लेन में होगा, दो एक्सिस कहाँ होगा, इसके प्लेन में होगा, एक एक्सिस तो इसके प्लेन में है, एक एक्सिस और लेंगे इसी के प्लेन में, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला एक्सिस ऐसा ही सेंटर ऑफ मास से पास करेगा यहाँ से, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा ये वाला एक्सिस। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सबको, तीन एक्सिस तो तुमको ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो तीन एक्सिस हमको ड्रॉ करना होगा, ये वाला एक्सिस हमको दिया हुआ था इसके अबाउट चाहिए, ये इसके अबाउट हमको पता था, तो एटलीस्ट और एक मतलब एक एक्सिस और चाहिए था, लेकिन वो एक्सिस क्या हुआ, कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2D ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर प्लेट है, और इसमें एक एक्सिस लाई कर रहा और एक एक्सिस इसी प्लेन में होना चाहिए, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी से ये पास करेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबका, यार बोल नहीं रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, ये समझ में आ गया तो ये पूरा थ्योरम दोनों क्लियर हो जाएगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो ये बताओ कि अब इसमें से हम इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होगा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ले लेते हैं आई वाई, और इसके अबाउट क्या ले लेते हैं आई जेड। पहले ये तुमको ड्रॉ करना होगा, देन आफ्टर तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो, अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कैसे अप्लाई करोगे बताओ, बोल नहीं रहे, बोलो जल्दी क्या होगा। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यहां तक तो ठीक है, हम लोग को इसमें क्या क्या पता है बताओ, तो हमको चाहिए ये वाला, हम लोग को इसके अबाउट चाहिए था, ये हम लोग जानते हैं, हम आई जेड जानते हैं, आई जेड कितना होता है बताओ तो, mr² / 2, हमको चाहिए था आई वाई, लेकिन आई वाई तभी निकलेगा जब आई एक्स पता हो, दिक्कत अब एक और आ गया, इंटरेक्ट करो बोलो तब समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है, आई जेड हमको पता था, हमको चाहिए था आई वाई, लेकिन इसके बीच में एक और टांग अड़ा दिया, वो है आई एक्स, आई एक्स अगर पता रहेगा तभी आई वाई निकलेगा। तो अब तो दिक्कत आई एक्स के साथ आ गया ना, आई एक्स तुमको पता ही नहीं, आई एक्स तो हम अपने मन से बना लिए, लेकिन ये तुमको पता ही नहीं है, हम आई एक्स ये वाला एक्स एक्सिस हम अपने से बना लिए, लेकिन इसके अबाउट इस रिंग मतलब इस सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको पता ही नहीं है, आई वाई तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक लॉजिक यूज कर सकते हो, वो लॉजिक क्या है पता है, अगर ध्यान से देखोगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई क्या होगा, दोनों सेम होगा,
ड्यू टू सिमेट्री, इसको हम आई मान सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। देखो तो सेम इसलिए होगा कि अगर मान लो ये वाला सर्कुलर प्लेट है हम लोग का, ये सर्कुलर प्लेट है, तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे तो इसका जो रोटेशनल मास होगा, चाहे ये वाला एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, दोनों क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ड्यू टू सिमेट्री क्या है, ये जितना ये अपना रोटेशनल मास इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट भी दोनों सिमेट्री एक ही जैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। तुम ऐसा एक्सिस रखो चाहे ऐसा रखो, बात एक ही है, दोनों केस में रोटेशनल मास क्या आएगा, ऐसे समझो ना, ये रोटेशन को कुछ अपोज करेगा, मतलब अपोजिशन वाला कंसेप्ट गलत है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए ऐसे कह सकते हो, जब इसको घुमाएंगे तो ये रोटेशनल कुछ अपोजिशन देगा तो इस एक्सिस के अबाउट, और इस एक्सिस के अबाउट क्या है, एक ही है बात, केवल ये वाला ना डिफरेंट होगा, ये वाला डिफरेंट होगा, इसके अबाउट घुमाएंगे तो ये अलग तरह से घूम रहा है, लेकिन इसके अबाउट अगर घुमाए चाहे इसके अबाउट घुमाए, दोनों क्या है, सेम है। ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो रहा है, ये तीन एक्सिस हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये तीनों एक्सिस कैसे ले रहे हैं, ये दोनों एक्सिस इसमें है, इसमें लाई कर रहा है, यार बोल नहीं रहा, इसके प्लेन पर, और तीसरा इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आइडेंटिकल होगा ना, ड्यू टू सिमेट्री। देखो यार सिमेट्रिक फॉलो नहीं हो रहा, इसके अबाउट घुमाओगे तो सेम रोटेशनल मास होगा, इसके अबाउट घुमाओगे तो सेम रोटेशनल मास होगा, और ये वाला जेड एक्सिस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यार बोल नहीं रहे, हाँ बोलो, सिमेट्री अगर नहीं होगा तब तो यूज नहीं, एकदम सही पकड़े हो, रेक्टेंगुलर में काम नहीं आ सकता है, क्योंकि तो रेक्टेंगुलर में ये दोनों सेम नहीं होगा तो ये निकलेगा ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ड्यू टू सिमेट्री हम ये यूज कर सकते हैं कि आई एक्स आई वाई और दोनों सेम होगा, आई होगा, तो इसको आई मान लिए, इसको आई मान लिए, अब क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस कितना हो जाएगा टू आई, और इक्वल्स टू इतना, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सब लिखने के लिए भी आता है, प्लस इससे सम्स भी बहुत पूछता है, इवन तुम्हारा जेई मेन और नीट में भी इससे सम्स पूछता है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट ये था। कभी कभी तुमको दोनों थ्योरम लगाना पड़ सकता है, जैसे मान लो दोनों थ्योरम कैसे लगाना पड़ सकता है, एक सवाल बनाओ, मान लो इस तरह का हम सिचुएशन ले लेते हैं, तुमसे पूछा है एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग ले लिए, और तुमसे पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मास दिया हुआ है एम और रेडियस दिया हुआ है आर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जल्दी निकालो तो देखें कितने लोग इसको निकाल पाते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट अगर यहीं पर बहुत लोग सोचेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ लगा दें, तो क्या यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो इस पॉइंट पर, क्यों, अगर इस पॉइंट पर लगाने जाओगे तो दिक्कत क्या होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये वाला क्या होगा जेड एक्सिस, तो क्या ये दोनों सिमेट्री शो करेगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा, लेकिन हमको यहाँ के बारे में पता है, जो यहाँ से एक्सिस कोई पास करे, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ये यहाँ से पास कर रहा है, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, इसका इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हमको ये चाहिए इसके अबाउट, तो हम यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो अगर सोचो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, किस एक्सिस के अबाउट, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, तो क्या इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, इन दोनों के बीच में, हमको इसके अबाउट पता है, तो इसके अबाउट अगर हमको पता है तो हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट अगर निकल गया तो हम फिर इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, ये समझ में आ रहा है, हमको इस जेड एक्सिस के अबाउट, हम इसको जेड एक्सिस मान लिए, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इन इस इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट नहीं निकाल सकते, इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं कि इन दोनों को लेकर पहले वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो निकालने के लिए एक एक्सिस और हमको चाहिए, और वो एक्सिस हम लोग कहाँ लेंगे, एकदम यहीं इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा और ठीक इसी के प्लेन में लाई करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। ये वाला एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान ले ली, मान लिए यार बोल नहीं रहे हो, तो क्या इन तीनों के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं इन तीनों के बीच में, तो कैसे लगाओगे बताओ। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लगा सकते हैं, थ्री डायमेंशनल है, हमेशा फील करो ये दोनों एक्सिस इसके प्लेन में लाई कर रहा है और ये वाला एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा ये बताओ, आई जेड हमको पता है एम आर स्क्वायर होता है, रिंग का कितना होता है। अच्छा ये बताओ, तो y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, ये आई एक्स है, ये y, आई वाई है, ये सर्कुलर रिंग है, तो क्या होगा ये, हाँ रिंग है, ये रिंग, तो ये i प्लस आई होगा ड्यू टू सिमेट्री कह सकते हैं। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों सेम होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, और ये कितना आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। लेकिन ये हमको जो चाहिए था वो नहीं निकला, हमको इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया, ये वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू है, इसके अबाउट निकल गया कितना एम आर स्क्वायर बाई टू, ये समझ में आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया। और हमको क्या चाहिए था, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, तो जब इसके अबाउट पता चल गया और इसके अबाउट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका नाम ए बी दे देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई ए बी, ये समझ में आ रहा है, आई ए बी क्या लिखेंगे, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दोगे इसके और इसके बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई सी एम कितना निकाले हो एम आर स्क्वायर बाई टू निकाले हो, प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर, आर क्या इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आर ही है, तो ये आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ लगेगा, जब 2D ऑब्जेक्ट हो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम ना कर रहा हो, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल नहीं रहा हूं। और मेनली कहाँ यूज करोगे, सिमेट्री का कंसेप्ट आएगा तब, सिमेट्री का कंसेप्ट नहीं आएगा तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके कोई बेनिफिट नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका, यार बोल नहीं रहा हूं। तो अब इससे रिलेटेड सम्स कर लोगे, मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड सम्स कर लोगे ना, अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया किसका, कि किसी भी रिजिड बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल सकते हैं। अब हम लोग, हाँ बोलो, क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट था, सर्कुलर प्लेट था, मैंने हम ही झूठा हो गए बताओ, मतलब तुम लोग हम ही पर दोष दे रहे हो, मतलब क्या बोले, इतना दुख पहुंचाते हो तुम लोग, सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर डिस्क है, बताओ कहा हुआ आर्यन यादव, कुछ बोल नहीं रहा, तुम कहा है हमको झूठा, ये देख रहे हो ये क्या बनाया है, ये क्या है, प्लेट है, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है हमारा, इतना दोष मत दिया करो तुम लोग, टेंशन में डाल देते हो, ये बताओ ये वाला समझ में आ रहा, ये वाला रिंग है ऐसा खाली खाली है, ये सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है और रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, कंटिन्यूअस बॉडीज, कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है, जैसे मान लो
ये इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देगा, और कैसा दे देगा तुमको, दे दिया कि ये एक सर्कुलर प्लेट ले लेते हैं, इस तरह है, सर्कुलर प्लेट है, कंटिन्यूस बॉडी, ये वाला अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, एक सर्कुलर प्लेट ले लिया इस तरह, ये सर्कुलर प्लेट है, और यहाँ पर क्या करते हैं एक रॉड ले लेते हैं इस तरह, एक रॉड है ठीक है, और फिर यहाँ पर एक रिंग ले लेते हैं, ये एक रिंग है, ये रिंग है, ये डिस्क है, और ये रॉड है, इसका मास एम दिया हुआ है, और ये लेंथ एल दिया हुआ है ठीक है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, इसका मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, और तुमसे बोला है कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और दोनों वर्टिकल, तीनों वर्टिकल प्लेन में है, तीनों वर्टिकल प्लेन में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस पूरे सिस्टम का, बोलो क्या करोगे। हाँ एकदम सही है, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या है पता है, इसमें करना क्या तुम लोग को, सबसे पहले क्या करना है कि इसको वन ले लेना, इसको टू ले लेना, और इसको थ्री ले लेना, तो जो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा पता है, डायरेक्ट लिख सकते हो कि आई आई, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। आई वन क्या है, इस पहले बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई टू क्या है, इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई थ्री क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हो गया समझ में आ रहा। तो अगर मान लो ऐसा कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस तरह निकाल सकते हो, पहले क्या निकालोगे, इस एक्सिस के अबाउट पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तीनों वर्टिकल प्लेन, तीनों इस तरह एक वर्टिकल प्लेन में है, ऑल थ्री आर इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, जल्दी निकालो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पूरे सिस्टम का, जल्दी निकालो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जल्दी निकालो, पहले बताओ। आई वन निकालते हैं, आई वन कैसे निकालोगे, पैरेलल वाला नहीं, पहले तो हमको परपेंडिकुलर लगाना होगा, क्योंकि हमको ये इस एक्सिस के अबाउट पता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा है, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा, ये कौन सा एक्सिस है पता है, ये वाला सवाल है कि इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू हमको पता है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको पता करना हो, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, मतलब ऐसा एक्सिस जो उसी के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये वाला इससे मतलब नहीं है हमको, ये वाला जो उसी के प्लेन से पास कर रहा है, उसी के प्लेन से अगर पास करे, इसी के प्लेन से पास कर रहा है ये एक्सिस, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, तो हम लोग आई वन पहले निकालते हैं, तो इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर। अच्छा एक बात बताओ, आई वन कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा आई वन कैसे निकालोगे, मतलब इस पूरे प्लेट का, इस एक्सिस ए बी के, एकदम सही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब आई ए बी के अबाउट निकालना है, किसका, पहले बॉडी का, पहले बॉडी का इस सर्कुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तुमको इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो इसको लिखेंगे आई सी एम प्लस, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये इसी के प्लेन में लाई कर रहा है, तो लिखेंगे एम आर स्क्वायर, आर क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आई सी एम कितना है, एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाले हैं, और ये प्लस कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी के अबाउट पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका, हम इस सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले किसके अबाउट, हम इस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं, हमको इस एक्सिस के अबाउट पता था,
सबसे पहले हमको इसके अबाउट पता था, यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट निकल गए एमआर स्क्वायर बाई फोर, फिर ये दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, तो इस सर्कुलर प्लेट का इस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो हमको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो पहले क्या निकाल लिए, अब दूसरे का निकालते हैं। तो ये बताओ कि आई ए बी, ए बी के अबाउट सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड का मतलब कौन सा, इस रॉड का। तो इस रॉड का कितना आ जाएगा, इसके वन एंड से पास कर रहे थे तो डायरेक्ट लिख सकते हो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एकदम सही है। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अब क्या करोगे, अब इस रिंग का निकालना है, आई ए बी और ये थर्ड हम लोग रिंग का निकालते हैं। इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, यहां से सेंटर ऑफ मास और इसके प्लेन में लाइक करने वाला एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो, अभी ना निकाले थे तुम लोग, सेंटर ऑफ मास से पास करे और उसी के प्लेन में लाइक करे तो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है कि नहीं होता है। तो ये रिंग का इसके प्लेन, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन और इसके प्लेन में, प्लेन से पास करने वाला और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। और तुमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कितना हो जाएगा, आई सी एम प्लस कितना हो जाएगा एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आई सी एम। प्लस ये कितना हो जाएगा एम आर प्लस टू ना आएगा, तो आई ए बी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तीनों का निकल गया उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट पूछा था। तो पूरे सिस्टम का क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का निकल जाएगा उस एक्सिस के अबाउट। बोलो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे, दूसरी बात हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसका सीखें, कि कंटिन्यूअस बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट, और तीसरा कि अगर कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। इसमें एक और सवाल आता है, और ये सवाल आता है इस तरह का, मान लो एक सर्कुलर प्लेट है और इसका मास m है, या मान लो कि ये वाला इसका r बाई टू रेडियस का यहाँ से कुछ मास कट करके निकाल दिए, मतलब इसको ऐसे समझो, इसको थ्री डायमेंशनली अगर हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो एक सर्कुलर प्लेट है और इसका ये सेंटर है, और ये सेंटर से हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से एक और छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर दिए, ये वाला हम लोग का सर्कुलर प्लेट है और इतना पार्ट हम कट कर दिए, ठीक है। और एक एक्सिस हम ले लेते हैं जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है कि ये आर बाई टू रेडियस का है, ये वाला रेडियस कितना है इसका, ये आर बाई टू है, ये वाला रेडियस कितना है, आर बाई टू है। कह रहे कि अगर इतना पार्ट कट करके हम बाहर निकाल दिए, इतना पार्ट अगर कट करके बाहर निकाल दिए, तो तुमसे पूछा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, आर बाई टू है, और इसका रेडियस कितना है, आर है, इस पूरे डिस्क का रेडियस आर है, और आर बाई टू रेडियस का एक सर्कुलर पार्ट कट करके बाहर निकाल दिए, तो कह रहे कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास में बताए थे ना, शायद तुमको याद होगा निगेटिव मास का कंसेप्ट बताए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, इसको भर देंगे, भरने का मतलब क्या है कि इसको प्लस एम और माइनस एम से, मान लो कि एक एम नॉट प्लस एम नॉट का ला के भर दिए, तो एक माइनस एम नॉट भी लाना होगा, याद है निगेटिव मास का कंसेप्ट। तो प्लस एम नॉट और माइनस एम नॉट दो प्लेट ला के रख दो, तो प्लस एम नॉट मिलकर एक पूरा बड़ा ये बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई,
जो आएगा इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, इसको ए बी मान लेते हैं, ये एक्सिस ए बी है, तो कितना आएगा बताओ। तुम्हारे पास दो प्लेट है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेट हो गया प्लस एम नॉट ला के रखे हो, तो ये तो जगह जो खाली जगह था वो तो भर गया, तो एक पूरा एक प्लेट हो गया, तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम, यार बोल नहीं रहो, कितना होगा पूरा प्लेट का एम होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई टू होगा इस पूरे प्लेट का, और ये जो माइनस एम नॉट है, माइनस एम नॉट रखे हो क्योंकि दो प्लेट हो गया ना, एक तुम्हारे पास एक पूरा प्लेट मिल गया और एक छोटा सा प्लेट मिल गया, ये माइनस एम नॉट है और ये कैपिटल एम है, तो इस ये माइनस एम नॉट वाले प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, प्लस माइनस एम नॉट, यहाँ से ये वाला एक्सिस के अबाउट इसका पता है, कितना पता है इसका, इस एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, माइनस एम नॉट स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके परपेंडिकुलर प्लेन से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस एम नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई टू, और ये वाला डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस से हम लगा दो तो इस एक्सिस के अबाउट इस नेगेटिव मास का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर आर बाई टू माइनस एम नॉट, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई टू का होल स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग शांत रखो और फिर से समझो, हम लोग को क्या करना था, सिंपल दो मास दो प्लेट ले लो, एक प्लेट हम लोग का ये था पूरा बड़ा वाला प्लेट था, इसके ऊपर हम इसके सेंटर से पास करता हुआ ऐसा एक प्लेट हम रख दिए, ये वाला प्लेट इसके ऊपर रख दिए, ये वाला एक प्लेट रख दिए, और हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, तो ये पहला बॉडी ले लो ये दूसरा बॉडी ले लो, दो कलेक्शन ऑफ बॉडी हो गया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई सिस्टम कितना होगा आई वन प्लस आई टू होगा, आई वन का मतलब क्या है इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको इस वाले प्लेट का निकालना है, इस वाले प्लेट का, ये वाला जो प्लेट है जो निगेटिव मास वाला है माइनस एम नॉट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना, कैसे निकालोगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला प्लेट का इसके सेंटर के अबाउट हमको पता है, सेंटर के अबाउट कितना पता है हम लोग को बताओ, इसके अबाउट पता है, तो I2 क्या लिखेंगे बताओ, I2 लिखेंगे हम लोग, I2 इक्वल टू मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट AB के अबाउट, इसको A और B ले लिए, तो क्या करोगे, इसके अबाउट पता है ICM प्लस MR स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसका निकल जाएगा ICM कितना हो जाएगा माइनस एम नॉट आर स्क्वायर बाई कितना होता है टू होता है, नहीं यहाँ गलती कर रहा हम लोग, कितना हो जाएगा एम नॉट आर स्क्वायर बाई फोर होगा ना, क्योंकि आर बाई टू इसका रेडियस है, और ये माइनस एम नॉट और ये वाला डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर बाई फोर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम नॉट आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा टू आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एम नॉट आर स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, लेकिन एम और एम नॉट को रिलेट करना होगा, कैसे रिलेट करोगे, ये समझ में आ रहा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे हमेशा जो खाली जगह है उसको भर देंगे प्लस एम नॉट से, और किसे भर देंगे माइनस एम नॉट से, तो प्लस एम नॉट मिल के टोटल मास एम कर लिया और माइनस एम नॉट उसके ऊपर आ गया, तो हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस पूरे बड़े वाले प्लेट का प्लस इस छोटे वाले प्लेट का निगेटिव मास का, तो प्लस वाले जो बड़े वाले प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और इस वाले प्लेट का कितना हो जाएगा माइनस एम नॉट आर स्क्वायर बाई टू, और ये कैसे निकालें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके बीच में लगा दिए, लेकिन दिक्कत अभी एक और चीज़ है, क्या बताओ, यहाँ एम नॉट है यहाँ एम है, तो एम नॉट को एम के टर्म में निकालना है, कैसे निकालोगे, तो हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा प्लेट का रेडियस इतना है का मास है एम, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई इतना, याद आ रहा कुछ क्या बताए थे, अगर इतना एरिया का मास एम है तो देयर फोर ये जो छोटा सा प्लेट है इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर होगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर, इसका मास कितना हो जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा फोर आ जाएगा, पाई स्क्वायर ये कैंसिल तो ये एम बाई फोर आ जाएगा, मतलब अगर बड़े का मास एम है तो ये छोटे वाले का पार्ट का मास कितना होगा एम बाई फोर होगा, तब आंसर क्या निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम नॉट की जगह एम बाई फोर, क्योंकि दोनों को सेम टर्म में, और आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।
ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नीट में पूछा है। एक मिनट रुक जाऊँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? तो देखो यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट क्या निकला कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का निकालना होगा किसी एक्सिस के अबाउट, तो हम एक एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर जो भी यूज करके और सबको ऐड कर देंगे। और यह निगेटिव मास का जब भी निकालना होगा, मतलब कुछ पार्ट अगर हटा दिए तो पहले उस जगह को भरेंगे। भरने के लिए क्या करना होगा, एक सर्कुलर प्लेट लाओगे R/2 रेडियस का प्लस m0 मास उसका मान लेते हैं, तो उसको नलीफाई करने के लिए, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा मास ऐड नहीं कर सकते हो, तो एक -m0 मास मानकर यहाँ पर प्लेस कर दोगे। अब तुम्हारे पास दो प्लेट मिल जाएगा, एक पूरा प्लेट और एक -m0 का। अब इस एक्सेस के अबाउट एक पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और इस छोटे वाले प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, केवल इसका मास -m0 ले लेना निगेटिव मास, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। और ये बहुत बार नीट और जेई मेन में पूछा है। बोलो, पूरा सरफेस एरिया कितना है, π r² पूरे बड़े वाले प्लेट का, तो उसका मास कितना है m है, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, तो ये वाला एरिया कितना होगा, छोटे वाले प्लेट का एरिया अगर पता चल जाए तो इसका मास निकल जाएगा, तो π r², तो इसका रेडियस कितना है R/2, तो π r² / r/4, तो इतने का मास कितना होगा, ये पर यूनिट एरिया में इतना है, तो इतना एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, m/4 आ गया। मतलब बड़े बड़े का मास अगर m है तो ये छोटे वाले प्लेट का मास कितना होगा, m/4 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल नहीं रहे हो। I2 कौन सा, ये वाला I2, तो ये वाला निगेटिव मास है एक्चुअली। देखो ये वाला जो निगेटिव मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, ये जो दिया हुआ उसी के अबाउट निकालना है ना, इसके अबाउट। तो हमको इस निगेटिव मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसके अबाउट हमको पता है कितना होता है। सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो कितना होता है, -m0, मतलब कितना होता है, m r² / 2 होता है, याद है? तो ये कितना हो जाएगा, -m0, और रेडियस की जगह क्या लिखेंगे, R/2 2, लेकिन R/8 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा, समझ में आ रहा है कितना आएगा, तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे कुछ भी, ये R/2 हो का होल स्क्वायर बाई टू ना होगा। बताओ, मतलब हम ही से पाप कराओगे, तो ये कितना हो जाएगा, -m0² r/8 आ जाएगा। तो इसके अबाउट निकल गया और ये इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो -m0 मतलब क्या यूज कर देंगे हम लोग, यहाँ से लिखे थे कितना, IAB मतलब ये कितना हो जाएगा, +m0 r का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना r/2, तो r² / 4, तो ये इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देना कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका इसके अबाउट निकल गया, अब पूरे सिस्टम का कितना होगा, I1 + I2। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बात तो वही है, हम नेगेटिव मास का कंसेप्ट लाए, चाहे तुम वैसे करो, नहीं उसमें दिक्कत है, I1 निकालने में तुमको दिक्कत है, इसका मास तुमको नहीं ना पता है, इसका मास जो I1 तुम ले रहे हो, एक बात आ जाएगा, I1 मतलब तुम पूरे प्लेट को ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है ना, वही चीज है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, केवल नेगेटिव मास का कंसेप्ट लाना होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है, सिंपल सा। हाँ तो तीन तीन मास हो गया, अगर मान लो R/A, मान लो कोई सवाल ऐसा है, जैसे मान लो इस तरह का सवाल है, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछती है, ये वाला अगर हम प्लेट ले लेते हैं इस तरफ, ये वाला प्लेट ले लिया, ये इसका सेंटर है, ये प्लेट ले लिया, इसमें से तुमको दे दिया कि यहाँ से R/2 का रेडियस का एक प्लेट यहाँ कट कर लिए और एक R/2 का मान लो यहाँ कट कर लिए, तो बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे,
तो आई सिस्टम इसके अबाउट कितना हो जाएगा, आई सिस्टम कितना हो जाएगा, एक तो ये वाला नेगेटिव मास मान लो माइनस एम नॉट, इसको माइनस एम नॉट और ये प्लस एम, तो आई सिस्टम कितना हो जाएगा, आई सिस्टम हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास को यहाँ यहाँ प्लस एम नॉट और माइनस एम नॉट ला के इस जगह को भर दो, इसको भर दो, तो दो नेगेटिव मास तो ला दिए, तब इस नेगेटिव मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और पूरे बड़े प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, लेकिन मास को रिलेट करना होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला एक प्लेट हो गया, तीन मतलब एक ये वाला सिस्टम हो गया पूरा भर दिए, तो एक ये वाला एक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ये नेगेटिव मास वाला हो गया माइनस एम नॉट, और तीसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया नेगेटिव मास वाला माइनस एम नॉट। ये तीन सिस्टम है, तीनों का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो, हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका, इस तरह का सम्स बहुत पूछा जाता है, ठीक है।